ऐसा किया, देख लिया भाई लूज तो नहीं ना। चलो भाई जय श्री राम, अरे हेलमेट लग गया। लिटरली इंडिया में सबके पोस्ट और रील देख के मुझे बड़ा फोमो हो रहा है, बिकॉज मुंबई इंडिया में लिटरली दिवाली वाला माहौल है। आई होप 22 जनवरी लोग लिटरली दिवाली की तरह हर साल सेलिब्रेट करें। अयोध्या में अभी क्या ही माहौल होगा, श्री राम जी 500 साल बाद एक्चुअली लौटे नहीं है, ही वॉज ऑलवेज देयर, लेकिन उनकी जो मूर्ति की स्थापना हुई है आफ्टर 500 ईयर्स, जो मंदिर बना है, जो मीम बनते थे मंदिर यहीं बनेगा, एंड देन फाइनली वो बन गया। लाइफ में मैं 2 बार भटका हूँ, एक बार श्री कृष्ण की बातों से, भगवद गीता से मुझे अपना रास्ता मिला, और दूसरी बार श्री राम जी की बातों से। एक्चुअली गॉड इज द बिगेस्ट टीचर इन आर लाइफ। अगर हम लिटरली भगवान को भगवान के अलावा एक टीचर की तरह देखें तो हर भगवान हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। आज मैंने एक वीडियो देखा था मेलबर्न के बारे में, मुझे लगा ओवर एग्जैजरेटेड वीडियो है कि यहाँ पर मिनटों में वेदर बदलता है, मतलब अभी ठंडा होगा थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा फिर ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ 2 दिन से, तो साला जैकेट ऑन होता है फिर ऑफ होता है, मैंने बेटर है पहन के जाओ, बिकॉज अभी बता रहा है बाहर 18, थोड़ी भी हवा चली ना तो कब कभी आ जाएगी, क्योंकि हमारा रूम में पानी नहीं था। मुझे नहीं पता लाइक US यहाँ पर भी नल से पानी पी सकते हैं कि नहीं, तो मैंने पिया ही नहीं। लाइक यू आर नॉट श्योर, आई डोंट ऑर्डर बिस्किट। सबसे पहले पानी की बॉटल लेंगे और पानी पियेंगे भाई साहब। तो ये यहाँ का कार, गाड़ी ज्यादा ही पीछे खड़ी कर दी, थोड़ा और होता तो डिग्गी नहीं खुलती। सिर्फ गाड़ी में पानी की बोतल थी, बेसमेंट में नेटवर्क नहीं था, मुझे देखना है मुझे कहाँ जाना है तो गूगल मैप पे डालना है। आज मैं मस्त हुआ, यूजुअली मैं जब से आया हूँ ना मेलबर्न मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ जा रहा हूँ, आज मेरी आँख खुली वो टाइम, मतलब चलो एक और बार आँख बंद करके देख लेते हैं, आँखें बंद की और सीधा उठा मैं 7:30 बजे। अपने दिन की शुरुआत पता है किस चीज़ से है, हेलीकॉप्टर राइड। आई थिंक जब मैं आ रहा था मैंने एक हेलीकॉप्टर देखा था हेलीपैड पे, ब्लैक कलर का शायद छोटा सा है। मैं आपको बताने के लिए कितनी खूबसूरत जगह पे रुका हूँ मैं, ये देखो वो रहा जहाँ पर मैं रुका हूँ, और ये देखो बीच देखो इतना प्यारा, और फैमिली बीच है ना, और बहुत सारी फैमिली है, तो मुझे किसी ने बोला कि अभी वेकेशन चालू है मेलबर्न में करके पूरी फैमिली बाहर आ रही है, इतना बढ़िया सही है। स्काई बच्चे को बच्चियों को देखता ना मुझे बहुत याद आती है स्काई की यार, स्काई वुड हैव हैड अ ब्लास्ट। बहुत ही प्यारा आइलैंड है यार, बहुत ही प्यारा, अगर आपका कभी भी मेलबर्न में आना होता है ना ये आइलैंड में आओ यार, मजा आ जाएगी, मतलब इधर ही रहो। ये मैं आ गया हूँ, ये आई थिंक है इधर फिलिप आइलैंड हेलीकॉप्टर, ये दिख रहा है आपको, ये कुछ ऐसा करने वाला हूँ मैं। फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है वो कर ली है, और अभी बस ये बोल रहा है कि 11:30 का मेरा अपॉइंटमेंट है, बट मैंने बोला मेरा 10:30 का है, 11:30 का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 11:30 का देगा तो मैं कुछ खाने पीने चले जाऊँगा, अभी मिल जाएगा तो मजा आ जाएगी। आई डोंट थिंक हेलीकॉप्टर में ज्यादा लोग आ सकते हैं, ट्राई करो ट्राई। ये मेरे लाइफ की 4th हेलीकॉप्टर राइड थी, जो मैंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया इसके पहले वो मैंने किया था न्यूयॉर्क हेलीकॉप्टर राइड, जहाँ पर मैंने मल्टीपल टाइम्स हेलीकॉप्टर फ्लाई किया था और काफ़ी सारे वीडियो बनाए थे। ये हेलीकॉप्टर उसके हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में छोटा है, उसका व्यूइंग डेक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और पायलट भी मेरा बहुत इन्फॉर्मेटिव था, मुझे आइलैंड के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बता रहा था। ये जो सर्किट आप देख रहे हो ये वही सर्किट है जहाँ पर मैंने गो कार्ट किया, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, मुझे लगा था मैंने बड़े वाले में चलाया, लेकिन ऊपर से देख के समझ में आया कि बड़ा वाला तो मोटरसाइकिल के लिए, छोटे वाले अपने गो कार्ट चलाया था। ये आइलैंड के बारे में मुझे पायलट बहुत कुछ बता रहा था कि तो गाड़ी लेके काफ़ी सारा जगह जा सकता है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं, तो मैं अगली बार करूँगा जब भी आऊँगा, तो आई रियली विश मेरे पास टाइम होता। और ये जो जगह है यहाँ पर हमने पेंगुइन की परेड देखी थी, ऊपर से छोटा दिखता है ना, और यहाँ पर कम से कम 1000 सील्स हैं, सील पानी वाले सील, लेकिन दिख नहीं रहे। और ये फिर से सर्किट देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि वापस जा रहे हैं, काफ़ी लंबी फ्लाइट थी, ऑफ कोर्स मैं आपको सब कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मज़ा आ गई बॉस। मज़ेदार था।
मैं न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर में बैठा था तो वो थोड़ा क्लोज था और मैं पीछे साइड बैठा था, आगे बैठने का मौका मिला था लेकिन फिर वो आगे कैसा ना इतना शूट नहीं हो पाया था, वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं, वो अलाउड नहीं, और वो टाइम आईफोन इतने अच्छे थे भी नहीं। लेकिन अभी यार ब्राइट है सब कुछ और कुछ भी ऐसा ग्लेयर नहीं आया ऊपर, और आइलैंड आइलैंड के ऊपर तो अच्छा लगता ही है भाई साहब। सिर्फ 4 दिन हुए और मेलबर्न मेरा फेवरेट सिटी बन गया है, यहाँ तो मतलब स्काई और शाइनेस को लाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा भाई साहब, इसका भी कोई 10 साल का वीजा रहेगा तो निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है अभी, मोस्टली जो भी है अभी सिटी में है, बट सिटी में जाने के पहले सोच रहा हूँ एक दो जगह रुक के जाऊँ, तो वही देख रहा हूँ कहाँ कहाँ रुक सकता हूँ। मेरा आइटनरी में सजेस्टेड प्लेसेस था तो मैंने बोला रास्ते में ज़रा देख लूँ क्या है, कभी आना पड़ा फ्यूचर में तो फिर अपने को मालूम रहेगा ना कहाँ कहाँ आना है। तो पूरा जंगल के बीच में है बेसिकली, आप ये यहाँ का महाबलेश्वर बोल सकते हो। मैंने गूगल में चेक किया तो यहाँ पर होता है रोप कोर्सेस, जिप लाइन, एरियल चैलेंजेस, झाड़ वाड़ पे। जैकेट निकालने का टाइम आ गया, गर्म हो गया और यहाँ सब हाइकिंग करने के लिए फुल हाइकिंग वाले कपड़ों में आया और यहाँ में जींस टी शर्ट जैकेट। चलो सुबह से वैसे मेरा वॉकिंग हुई नहीं है तो जरा 1-2 किलोमीटर वॉक करके चेक किया स्क्रॉल करते करते, यहाँ पर उन्होंने मेरी बुकिंग की हुई है लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुकिंग है 2:30 बजे की और अभी बज रहे हैं 12:30, तो अभी 2 घंटा में क्या करूँ, 2 घंटा कुछ खाने के लिए है नहीं। सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ये छोटा सा टाउन है तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी की, मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने कैफ़े सर्च किया, तो यहाँ पर एक कैफ़े है वहाँ पर जा रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा टाउन है, यूजुअली अगर मैं किसी के साथ होता तो मैं ये वाला पार्ट कभी बताता नहीं हूँ, लेकिन अभी मैंने बोला चलो यार मुझे क्या फील हो रहा है वो भी आप लोगों को भी बताता हूँ। ओह मैं बोला ये कौन दिख रहा है मेरे को, तो मैं यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है लेकिन मेरा अभी इंडियन खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। रोस्टिक कैफे वो रहा इंडियन रेस्टोरेंट ही रोस्टिक, वैसे मैं यहाँ खाने का सोच रहा हूँ, फैमिली होती तो मैं इंडियन में जाता बिकॉज यहाँ का रिव्यू काफ़ी अच्छा है, एक कॉफ़ी मिल जाएगी मुझे। और ये आ गया मेरा ऑमलेट मशरूम, थैंक यू। खाली अभी मुझे गाड़ी की तरफ नहीं जाना है, थोड़ा चल के देखता हूँ। ट्रैवलिंग करके मैंने एक चीज़ सीखी है, कोई भी कंट्री चले जाओ एटलीस्ट जो मैं विजिट किया हूँ, और वो कंट्री के आउटस्कर्ट्स में जाओ, आपको आउटस्कर्ट्स में ना बहुत ही अच्छे प्यारे सॉफ्ट स्पोकन लोग मिलेंगे, बहुत ही हेल्पफुल लोग मिलेंगे, एंड द बेस्ट पार्ट द कैफेज, यू कैन लिटरली इंजॉय द वाइब्स। सिटी में बहुत हसल पसल होता है, हाँ किसी किसी को पसंद है, जब मैं न्यूयॉर्क गया था मुझे पसंद है, बट वो हसल पसल ना 1-2 दिन की खुशी देता है, बाद में आपको इरिटेट करता है, लेकिन छोटा टाउन ना आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है। और अभी ये स्टेशन के ऊपर हूँ मैं, यहाँ से ट्रेन जा रही थी जब मैं गाड़ी लेके जा रहा था, तो का मेरा मेलबर्न का एक्सपीरियंस बता क्या है, ये थोड़ा बहुत कैनेडा और थोड़ा बहुत स्विट्ज़रलैंड और थोड़ा बहुत फ्रांस का मिक्सचर है, और यहाँ के लोग जो है ना वो ओल्ड कनेडियन होते हैं, जो अच्छे कनेडियन है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन कनेडियन है, वैसे हैं, मतलब 13 साल पहले का मेलबर्न और अभी में या तो मैं बदल गया हूँ या तो इस शहर बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने अभी ये हाथ में रिस्ट बैंड जो हेलमेट माउंट था उसको रिस्ट पे बांध दिया, बिकॉज अभी एडवेंचर करते टाइम कोई भी फ़ोन या कुछ भी हाथ में ऐसा लूज अलाउड नहीं है। मुझे लगा बहुत ही इजी बेसिक चीज़ होगी, लेकिन ब्रीफिंग करते रहे उन्होंने बोला कि नहीं तो हाथ में गोप्रो नहीं रख सकता बिकॉज ये अड़ेगा, और बाद में मुझे समझ में आया कि क्यों बोला, और मैंने वो सेम चीज़ को मेरे हेलमेट पे लगा दिया एक अच्छे पोजीशन में। और यहाँ पर सिर्फ ब्रीफिंग नहीं हुई, यहाँ पर हमको एक टेस्ट भी दिया, ट्रायल भी दिया कि ये जो हुक है इसको एक सर्टन तरीके से ही डालना और निकालना पड़ता है, और जो आपने स्टार्ट किया, जो आपने ये हुक डाला या जो भी इसको बोलते हैं, फिर वो ख़त्म करके ही निकलेगा। और इसमें टोटल 4 लेवल हैं, एक है ग्रीन, एक है ब्लू शॉर्ट, एक है ब्लू लॉन्ग, और जो लास्ट में आता है वो आता है ब्लैक, आई थिंक इसमें रेड भी है, आई एम नॉट रियली श्योर। ब्लैक जो है जब ये एंड होता है तो आपको ऊपर से सीधा जंप करना पड़ता है, तो भाई मैंने वो ऑप्ट नहीं किया, आप आगे जाके देखो, क्योंकि मैंने ऑप्ट किया ब्लू लॉन्ग और वो मैंने काइंड ऑफ रिग्रेट भी किया लेकिन मज़ा भी आया। तो ये ट्रायल ख़त्म होता है हमारा, शुरू करते हैं, अटैच कर लिया ये। आई थिंक भैया गलती कर दी, भैया इसमें तो फटती है, अभी करना क्या है, वो तेरी माँ का, ये ज़िपलाइन करना है। अरे भैया ऐसा लग रहा है पेड़ को ही ठोक दूंगा, अरे बाप रे, ये बाप रे तो बहुत बड़ा पंगा ले लिया। ये जितना इजी लग रहा है ना ये है नहीं, ये
अब समझ में आया मेरा गोप्रो क्यों निकल रहा है। भैया इसके लिए तो सॉलिड फिजिकली फिट होना जरूरी है। इट्स वेरी वॉबली। नीचे नहीं देखना है। राम 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 राम। भाई मैंने बहुत गलत शूज पहने हैं। भाई ये लोग तो सब प्रो है, अपन नूब है। कैसे कैसे कर रहा हूँ मुझे ही मालूम है। भाई अभी पीछे हट सकता हूँ तो पीछे हट जाता। इसमें ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है और रेड है। रेड में गए ना तो एंड में सीधा जंप मारना है। अरे भगवान क्या है, हिल रहा है। ओके आई एम नॉट अ प्रो, आई एम नॉट अ प्रो इन दिस। मेरे को लग रहा है गिर जाऊँगा मैं इसमें। गया। जिप लाइन करके आया, भी ये करके जाना है। ये ना ये पूरा वॉबली है। वो बंदा मस्त कर रहा है, वैसे ही करूँगा। गलत शूज पहना है मैं। अरे भगवान, गया गया आ गया आ गया। ओह बाप रे बाप। ये समझ में आया ऑस्ट्रेलियन साले इतने मजबूत क्यों होते हैं। क्या चीज़ है भाई, अरे तेरी माँ का। ये तो क्या है, थोड़ा इजी लग रहा है। ये इजी लग रहा है मगर है नहीं, बिल्कुल इजी नहीं है। अब समझ में आए लोग ने क्यों बोला फ़ोन वोन सब निकाल देना। भाई ये अनफिट लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये कर लिया ना ख़त्म है। बैठा हूँ, अगली बारी मेरी है। ऐसा ही बैठा हूँ मैं। ये सारा ज़्यादा नीचे लगता नहीं है, कम से कम ये सेकेंड फ्लोर है। कोई नहीं भाई, अभी मैं जाऊँगा इसके बाद ज़रा। अच्छा वो वर्कआउट वर्कआउट नहीं किया, मेरा पंगे बजाते आज तो। ये अटकाया, इसको ऐसा किया, देख लिया भाई लूज तो नहीं है ना। चलो भाई जय श्री राम। अरे हेलमेट गया, हट जाओ दीदी हट जाओ। और समझ में नहीं आ रहा, मूवीज याद आ गई मुझे। साला मूवी में देखते थे ना अपन ये ट्रेनिंग, अपने को लगता था अपन भी करेंगे। अरे यार इतना दूर क्यों रखा है लोग। नहीं नहीं ऐसा ही सही है, ग्रिप टाइट रखने का। तो साला और टफ हो गया ये थोड़ा। ये ना ये लूज कर दिया लोगों ने, ये लू ये लिया ना, ये लॉबस्टिक डाल दिया है। ये लो तो छुट्टा हो रहा है। बुको बुको अंकल आंटी ने खाने छोड़ है भाई। अरे बाप रे, तो डिफिकल्ट। लास्ट 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 टाइम वी आर डन। वो लेडी को हट जाने दो पहले। ओके भाई साहब कर दिया, टेंशन में आ गया था पूरा। Should I just leave it here? Yeah, just hang it up. Okay. बड़े समय बाद आज मेरी फटी है। आज मेरे को डर लगा, और डर भी क्या कि मैं दो माले से, एक्चुअली दो माले से गिरने का नहीं था। नीचे तो घास फूस थी, मतलब वो डरा देती है चीज़ भाई, लेकिन क्या एक्सपीरियंस देती है। पहली बार में डर लगेगा, लेकिन मेरा मन किया दूसरी बार करने का, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे को मेलबर्न पहुंचना है, मेरा बहुत लेट हो जाएगा, ऑलरेडी 3:40 हो गए। मुझे पटरी क्रॉस करना हमेशा पसंद है। उसके बाद सीधा होटल आए, मतलब पसीने छूट गए उधर तो। और इन्होंने भी सेम बोला कि पेंगुइन परेड देखी कि नहीं देखी। एक्चुअली कमेंट्स भी आए वीडियो में, लेकिन मैंने पेंगुइन परेड देखी, लेकिन मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वो शूट करना अलाउड ही नहीं है। और वहाँ पर साफ साफ रेड में लिखा था अगर शूट किया ना मतलब वीजा कभी मिलेगा नहीं। भाई साहब रील बना रहे हैं, मैं बोलते मैं ऐसे ऐसे करते करते आया, फिर हाथ मिलाएंगे। वाह ये देख क्या बात है भाई, भाई लड़की के पीछे तो नहीं कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, रिसेप्शनिस्ट ने नीचे बोला कि मेरा रूम अपग्रेड कर दिया है, तो देखते कैसा रूम है मेरा। भाई ये रहा रूम अपना, खोलते हैं। ओहो माय गॉड, दिस इज अ ब्यूटीफुल रूम। कितना क्यूट रूम है। अरे यार ये देखो, ये शहने से ये वीडियो देख के मुझे बहुत गाली देगी, इतना बढ़िया रूम, इतना बढ़िया रूम अकेले लड़के के लिए। ये देखो भाई कमाल है, कमाल है।
ये अंदर भी जाता है। अरे तो और अरे मेरा मुझे लगा ये रास्ता है जाने का। व्यू देख लेता हूँ कैसा है। स्ट्रीट व्यू है नॉर्मल। अभी अभी सोच रहा हूँ मैं यहाँ बैठ के एडिट करूँ कि या फिर ये जगह मुझे बेटर लगी। ये जगह परफेक्ट एडिट करने के लिए। ये जगह मस्त है एकदम बढ़िया।